हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीषा सियाग। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन गवर्नमेंट वीमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। टुडे माय टॉपिक इज पैरिटी जनरेटर। पैरिटी जनरेटर क्या है? ए पैरिटी जनरेटर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट दैट जनरेट्स द पैरिटी बिट इन द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में ये पैरिटी जनरेटर क्या करेगा, एक पैरिटी बिट जनरेट करने का काम करता है। A parity bit is used for the purpose of detecting errors during transmission of binary information. जब भी हम सर्किट में बाइनरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं तो एरर होने की संभावना होती है, उसको दूर करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा बिट इंक्लूड करते हैं बाइनरी मैसेज में। वो वन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो इवन पैरिटी जनरेटर है या ऑड पैरिटी जनरेटर है। तो उस बिट को हम क्या कहते हैं, पैरिटी बिट। अब दो टाइप की पैरिटी हैं, इवन पैरिटी है और एक ऑड पैरिटी है। इवन पैरिटी तो एडेड पैरिटी बिट विल मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस एन इवन अमाउंट। जो टोटल नंबर ऑफ वंस को इवन कर देगी वो इवन पैरिटी है, और जो टोटल नंबर ऑफ वंस को ऑड कर देगी वो ऑड पैरिटी। तीन बिट का मैसेज है ये पैरिटी जनरेटर की ट्रुथ टेबल है, जिसमें तीन बिट का ये मैसेज है एक्स वाई जेड। मेरे पास मैसेज की बिट है 000 है, तो ऑड पैरिटी वाई बिट जो होगी वो तो होगी 1, और इवन पैरिटी वाई बिट जो होगी वो होगी 0। क्योंकि अगर मैं इसको 000 को ही इवन बनाना चाहूं तो 0 एक ऐड कर दूंगी, और अगर ऑड बनाना चाहूँ तो एक 1 ऐड कर दूंगी। अगर 001 है तो इसको मैं इवन नंबर ऑफ वंस बनाऊं तो 1 ऐड करूंगी तो वो इवन पैरिटी होगी, अदरवाइज 0 ऐड करूंगी तो वो ऑड पैरिटी, ऑड नंबर ऑफ वंस आए हैं। इसलिए 010 में मैंने एक 0 ऐड किया तो वो ऑड पैरिटी होगी, क्योंकि एक ही 1 बचा है पूरे मैसेज में, और एक 1 और ऐड कर दिया तो वो हो गई इवन पैरिटी। 011 में एक 1 और ऐड करते ही वो ऑड नंबर ऑफ वंस बन जाएंगे, और एक 0 ऐड कर दूंगी वो तो वो 2 0 और 2 1 हो गए तो इवन हो गई। तो इस तरह से ये ऑड और इवन पैरिटी होती है। इसकी मैं अगर के मैप बनाऊं तो इवन पेयर में एक्स वाई जेड का इवन पेयर ले हूं, तो ये यहां से ट्रूथ टेबल से मैंने ऑड इवन पैरिटी जहां जहां 1 है उसको 1 किया है के मैप में, तो ये इक्वेशन आती है एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, यानी तीनों का एक्स और अगर लेती हूँ तो वह इवन पैरिटी बनती है। इसी तरह ऑड पैरिटी का के मैप बनाते हैं अपन। तो इस के मैप से क्या होगा कि एक्स वाई का एक्स और हम एक और एक्सोर में डाल दें तो वो पैरिटी बिट होती है। तो पैरिटी जनरेटर में क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों का एक्सोर होगा। अब पैरिटी चेकर क्या होता है? ए सर्किट दैट चेक्स द पैरिटी इन द रिसीवर इज कॉल्ड पैरिटी चेकर। ए पैरिटी चेकर सर्किट चेक्स फॉर पॉसिबल एरर्स इन द ट्रांसमिशन। अब इस मैसेज को जो चेक करेगा वो पैरिटी चेकर है। सिंस द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड विद इवन पैरिटी द रिसीव्ड मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ वंस। It has an odd number of ones. It indicates that there is an error occurring during transmission. अगर even parity का checker है तो उसको even numbers of one check करने हैं, और अगर odd parity checker है तो उसको odd number of ones को check करना है। तो ये हमारी जो 4 bit received हुई हैं 000, ये सही है। इवन पैरिटी चेकर की ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, ये इवन है तो 0 आएगा। अगर ये एरर यहाँ एक ही 1 आया है तो इसका मतलब एरर है, तो 1 शो कर रहा है, क्योंकि पैरिटी चेकर 1 शो करता है मतलब कि वहां कुछ एरर है, तभी पैरिटी चेकर में 1 आएगा। अब ये एक 1 है तो भी 10 में भी 1 एरर आएगी। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से अगर मैं पैरिटी चेकर की ट्रूथ टेबल बनाऊं तो इस तरह की बनेगी, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं लॉजिकल डायग्राम बनाऊं के मैप के अकॉर्डिंग, ये के मैप में मैंने सारी चारों बिट को डाल के पैरिटी चेकर की अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ये बनती है। पैरिटी को पी बिट और ए का एक्सोर, फिर इसका एक्सोर है बी और सी के साथ। तो ये पैरिटी चेकर का लॉजिकल डायग्राम है जिसमें ए और बी का एक्सोर करते हैं और सी और पी बिट का एक्सोर करते हैं, तो हमारे पास चेकर बिट आती है।
तो ये एक पेरिटी जनरेटर और पेरिटी चेकर का ट्रूथ टेबल से हम के मैप बना के और फिर लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। तो ये पेरिटी चेकर और पेरिटी जनरेटर का सर्किट। थैंक यू। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से अगर मैं पैरिटी चेकर की ट्रूथ टेबल बनाऊं तो इस तरह की बनेगी, और उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल डायग्राम बनाऊं के मैप के अकॉर्डिंग। ये के मैप में मैंने सारी चारों बिट को डाल के पैरिटी चेकर की अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ये बनती है। पैरिटी को पी बिट और ए का एक्स और फिर इसका एक्स